हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे शंकर आईएएस एनवायरनमेंट की बुक का चैप्टर टू, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हमने चैप्टर वन में पढ़ा था। इकोसिस्टम का मतलब होता है एक सेट ऑफ रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है अपनी सराउंडिंग्स के साथ, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप एक प्लांट के साथ, एनिमल्स के साथ, दूसरे वाटर के साथ, सॉइल के साथ। ये पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो रिलेशनशिप होता है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, वो होता है इकोसिस्टम। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के, एक होता है एनर्जी को फ्लो करना, एक होता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब इन तीनों को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी फ्लो होता है कि एनर्जी का फ्लो होना जो प्रोड्यूसर है उससे कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? हमारे प्लांट्स होते हैं। तो एनर्जी का फ्लो प्लांट से लेकर के जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, हम करते हैं प्लांट को कंज्यूम, ह्यूमंस करते हैं, दूसरे एनिमल्स करते हैं, फिर दूसरे एनिमल्स को और दूसरे हायर लेवल के एनिमल्स करते हैं, जैसे कि डियर जो है वो ग्रास को कंज्यूम करता है, लायन जो है वो डियर को कंज्यूम करता है। तो इसी तरीके से एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो ये एक फंक्शन है इकोसिस्टम का, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जाती है। और एनर्जी फ्लो जो होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब डियर से लायन में ही एनर्जी फ्लो होगी, मतलब लायन से डियर में एनर्जी का फ्लो कभी नहीं होगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी उतनी की ही, जैसे कि डियर के पास जितनी एनर्जी है उतनी की उतनी ही एनर्जी लायन के पास नहीं जाएगी, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है एक ट्रॉपिक लेवल से जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। इसलिए यही रीज़न है कि ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वो चार या पाँच ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि चार या पाँच ट्रॉपिक लेवल्स के बाद इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है कि उससे ऊपर कोई हायर ऑर्गेनिजम्स बन सके। यही बताया गया है इसमें कि काफ़ी कम एनर्जी बचती है आगे वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के लिए। ट्रॉपिक लेवल का जो इंट्रैक्शन होता है, डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं ट्रॉपिक के, वो कैसे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं? एक इंट्रैक्शन का उनका वे होता है फूड चेन। फूड चेन के थ्रू कर सकते हैं, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन जो है एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का, कि कौन सा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे फीड करेगा, फिर दूसरा तीसरे पे, इस टाइप से जो चेन बनती है वो हमारी फूड चेन होती है। सीक्वेंस होता है कि एक दूसरे को खाएगा, फिर जिसने पहले वाले को खाया था फिर नेक्स्ट वाला उसको खा लेगा, इस तरीके से एक चेन बनती है। टाइप्स ऑफ फूड चेन होती हैं, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, कि जो जैसे कि ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे डियर हो गया, गोट हो गया, ये लोग जो फूड चेन बनाते हैं ये ग्रेजिंग फूड चेन बनती है, जो प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट होते हैं बेस में और कंज्यूमर होता है एक हर्बीवोर। हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ घास को यानी कि प्लांट्स को खाते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें ग्रेजिंग फूड चेन में टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक कैसी है। सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोड्यूस कर रहा है खाने को, वो प्लांट है। फिर एक कैटरपिलर होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, उसको हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा कैटरपिलर को क्या कहते हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसा होता है, ब्रश रहते हैं जैसे कि इस टाइप का कीड़ा होता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, ये कैटरपिलर होता है। ये कैटरपिलर प्लांट को खाता है, इस कैटरपिलर को क्या करती है, लिजर्ड खा लेती है, और लिजर्ड को स्नेक खा लेता है। तो देखिए चार स्टेप्स आ गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी है कंज्यूमर, और फिर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे आ जाता है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। एक्वाटिक में भी देख लेते हैं, एक्वाटिक में फाइटो प्लैंकटॉन्स होते हैं। फाइटो प्लैंकटॉन्स आप समुद्र की घास, समुद्र का पेड़ समझिए। जू प्लैंकटॉन जो उस घास को खाते हैं जो पानी में रहते हैं, फिर उसके बाद जू प्लैंकटॉन्स को फिश खाती है और फिश को पैलिकन खाता है। तो इस तरीके से ये हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होती है। अब आगे डेट्रिटस फूड चेन होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जैसे कि हम लोगों ने खाना खा लिया उसमें से कुछ बच गया, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। जो एनिमल्स की डेथ होती है, प्लांट्स की डेथ होती है, उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो डिग्रेड होती हैं, उनको जो डिग्रेड करते हैं छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस वो मतलब अपना जो न्यूट्रिशन है, ये जो डेट्रिटस फूड चेन है ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। जैसे कि लिटर, मतलब कोई भी ख़राब चीज़, मरा हुआ कोई जानवर, कोई प्लांट, बचा हुआ खाना, कोई भी वेस्ट चीज़, उसमें से अपना न्यूट्रिएंट लेंगे अर्थवॉर्म्स, फिर अर्थवॉर्म को खाएंगे चिकन, चिकन को खाएगा हॉक। ये इस तरीके से डेट्रिटस फूड चेन चलती है। और जो ग्रेजिंग फूड चेन है
उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो प्लांट है, और प्लांट की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन. तो हर चीज़ जो भी हमारी अर्थ पे है, जो हम खा सकते हैं, हमारी अर्थ चल रही है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है, और वही जो है वो बायोमास बन जाता है. जैसे कि इन ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ होती है तो ये बायोमास बन जाते हैं. और डेटरिटस फूड चेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये सब हमने पढ़ लिया है. अब फूड वेब पे आते हैं. जो फूड चेन है ना, वो एक रियल चीज़ नहीं है. जैसा ऐसा तो है नहीं कि घास को सिर्फ और सिर्फ डियर ही खाएगा और डियर को सिर्फ और सिर्फ लायन ही खाएगा. एक मिक्सचर होता है. घास को गोट भी खाती है और दूसरे जानवर भी खाते हैं, और गोट को और डियर को वुल्फ भी खाता है, टाइगर भी खाता है, लायन भी खाता है. तो काफ़ी ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होती है. इसलिए फूड वेब एक ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाने का. तो फूड वेब रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. इसमें देखते हैं, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को एक रैबिट भी खा सकता है, और ग्रास हॉपर भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है, ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकती है, लिजर्ड को हॉक खा सकता है. इस तरीके से हमें दिखाया गया है कि ग्रास खाई रैबिट ने, रैबिट को खाया हॉक ने, ग्रास खाई रैट ने, रैट को खाया हॉक ने, फिर रैट को स्नेक ने खाया और स्नेक को हॉक ने खाया. ये होती है हमारा फूड वेब. एक जाला सा बन गया है कि एक ऑर्गेनिज्म पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म्स का हम एक ही ऑर्गेनिज्म खाना बन रहा है. ये जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है ना, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है किसी भी इकोसिस्टम में. इकोलॉजिकल पिरामिड्स. अब ये क्या है, पिरामिड्स क्या होते हैं? जैसे कि ये देखिए, ये पिरामिड्स हैं. एक हॉरिजॉन्टल वे दिखाया गया है किसी भी सेट पे, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे वो दिखाने के लिए. इसकी डेफिनेशन है, जैसे कि एक पिरामिड कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स डिपिक्ट करने के लिए वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, जो कि अरेंज होते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, जिसके बेस पे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है और जिसके टॉप पे जो होता है टर्शरी कंज्यूमर होता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. तीन कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स की जो तीन कैटेगरीज हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स. इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर के बेसिस पे. सबसे ज़्यादा सबसे नीचे जो बेस पे होंगे उसमें सबसे ज़्यादा होंगे, फिर उससे ऊपर जाते जाते कम होते जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो होता है बेस लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. टॉप पे पहुँचते पहुँचते एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए जो टॉप पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो कम होते हैं. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन है. तो क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइटेड भी होते हैं, और मतलब बिल्कुल सीधे भी होते हैं, एक ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल जैसे भी होते हैं, जैसा हमें दिखाया गया है. तो उसमें हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रासलैंड का. सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, एक ग्रास खाना प्रोड्यूस कर रही है, वॉर्म्स कीड़े उस ग्रास को खा रहे हैं, उन कीड़ों को रैट खा रहा है, रैट को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को पिकॉक खा रहा है. तो पिकॉक क्या हो गया, टॉप कार्निवोर, सबसे ऊपर रहने वाला कार्निवोर है जो इन सारी चीज़ों को खा रहा है, स्नेक्स को. ठीक है, अब पॉन्ड का इकोसिस्टम आ जाता है. नीचे देखिए ग्रास है, ग्रास को स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश को बिग फिश, और बिग फिश को हॉक खाएगा. ये है हमारा अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, मतलब सीधा पिरामिड ऑफ नंबर है. इसमें बेस में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऊपर जाते जाते कम होते जाते हैं. अब हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर भी होता है, और ये होता है हमारा पॉन्ड, पॉन्ड इकोसिस्टम में, वो दूसरा वाला है. ये पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड कब होता है, ये हमारा डेट्रिटस फूड चेन में होता है. देखिए, प्रोड्यूसर्स कम हैं, फिर उसको खाने वाले ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद पैरासाइट्स हैं, फिर हाइपर पैरासाइट्स हैं. तो ये पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड इसमें होता है. ठीक है, इन दिस नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब ऊपर जितने हम जाते जा रहे हैं उतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है, एक और क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज द ट्री, ट्री जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मगर एक ट्री पे काफ़ी सारे दूसरे जानवर रहते हैं, है ना. अगर आप चींटियों को देखिए कि ट्री तो एक ही है, एक ही ट्री पे कितनी सारी चींटियाँ रह सकती हैं, कितनी सारी चिड़िया रह सकती हैं, है ना. तो इसलिए जो ये पिरामिड होता है ये इन्वर्टेड हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर है. अब आगे आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास. इसमें क्या होता है, पहले वाला तो हम लोगों ने काउंटिंग करी थी. पिरामिड ऑफ नंबर में हम लोगों ने इंडिविजुअल्स को काउंट किया था कि किस ट्रॉपिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं. अब पिरामिड ऑफ बायोमास में हम उनका बायोमास लेंगे, मतलब उनका वेट लेंगे कि किस लेवल पे कितना वेट है ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि ऐसे करके आप मेजर कर सकें, जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, उसका आपने सारा पानी निकाल लिया, उसका जितना सूखा वेट बचाना वो उसका बायोमास होता है. इन दिस क्या होता है, ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम.
वही जिसमें मैंने आपको बताया, इसमें वही होता है कि जो उनका वेट कितना है वो मेजर किया जाता है। तो अपराइट सीधा वाला जो है उसमें क्या है कि सबसे नीचे घास है, घास बहुत ज़्यादा होती है, डियर कम है, फिर वुल्फ और कम है, और फिर लायन सबसे कम है। ये होता है अपराइट पिरामिड, है ना। फिर बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूस मतलब जो खाना प्रोड्यूस करा है वो सबसे ज़्यादा है, और जितना हम ऊपर जाते जाते हैं बायोमास कम होता जाता है। अब इन्वर्टेड पिरामिड जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उसका बायोमास, जब आप घास का बायोमास निकालेंगे भले ही वो ज़्यादा हो मगर उसका बायोमास कम निकल के आएगा। फिर उसको जो खाने वाली छोटे फिशेज होंगी वो छोटी हैं इसलिए उनका वेट कम होगा। फिर जो सबसे ज़्यादा छोटी फिशेस को जो बड़ी फिशेस खाती हैं, है ना, जो बड़ी फिश होती है उनका तो बायोमास ज़्यादा होगा क्योंकि वो बहुत बड़ी है, इसलिए जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड हो जाता है। पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है बायोमास का वो किस में होता है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है, याद रखिएगा। ये बताया कि एक्वेटिक इकोसिस्टम पिरामिड जो होता है बायोमास का इन्वर्टेड होता है क्योंकि जो फाइटोप्लैंकटॉन्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनको खाने वाले होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अब आगे है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो क्या क्या बताता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हर एक फॉर्म से जब एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो एनर्जी का लॉस होता है, मगर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो होता है कि एक से जब दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो एनर्जी का लॉस होता है, मगर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसी फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं जाती है, एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है। फिर कन्वर्जन, सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। घास कैसे बनती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लॉस होती है। इसको लिनिमैन 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि हर जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास हो पाती है। ये बताया गया है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ओनली अबाउट 10% इज़ ट्रांसफर्ड। अब पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं ट्रॉपिक लेवल में, तो ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से आते हैं। थैंक यू सो मच।